गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, आज सुबह सुबह ना बैंड, न बाजा, न बारात, उसके बिना जिस तरह से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी की शपथ दिलाई गई, मेरे ख्याल से महाराष्ट्र के इतिहास में ये घटना काली स्याही से लिखी गई। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि पहले दिन से गया, उसके बाद शिवसेना को इनवाइट किया गया, उसके बाद एनसीपी को इनवाइट किया, लेकिन जो कांग्रेस को मौका देना चाहिए था ये राज्यपाल महोदय ने सफल नहीं किया। और उसके बाद बिना वेरिफिकेशन एक नेता जाते हैं, लिस्ट अपनी सबमिट करते हैं, जिस तरह से उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए, जिस तरह से सबसे बात होनी चाहिए, विधिवत जिस तरह से स्वागत विधि होनी चाहिए वो नहीं हुई, बल्कि जैसे चुपचाप सुबह सुबह बिना किसी को बताए हुए फिर सरकार से, और जिस तरह से शपथ विधि की है उसी से मुझे बू आ रही है कि समथिंग इज रॉन्ग समवेयर, कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ। महाराष्ट्र की जनता, देश की जनता, लोकतंत्र में, संविधान में, संविधान के जो मूल्य है, संविधान के जो प्रिंसिपल्स है, जो प्रोविज़न है, उसमें आस्था रखने वाले लोग हैं, लेकिन उसकी अवहेलना करके जो किया गया है, मैं समझता हूँ ये कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी की खेचियाँ उड़ाई गई हैं, और इससे बड़ी बेशर्मी की बात कोई हो ही नहीं सकती। बेशर्मी की भी इंतहा होती है, इन्होंने तो बेशर्मी की इंतहा को भी पार कर दिया, तो इसको हम कंडेम करते हैं। जिस तरह से होना चाहिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत वो नहीं हो पाया। एक प्रक्रिया चल रही थी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बीच में। पहली मीटिंग जैसे ही उद्धव ठाकरे जी ने कांग्रेस प्रेसिडेंट को फ़ोन किया, तुरंत दूसरे दिन ही हम पहुंच गए कि पहले हमें हमारे जो सहयोगी जिनके साथ मिलकर हम चुनाव लड़े हैं उनको विश्वास में लेना चाहिए, और उसीलिए उनके साथ मीटिंग की, कुछ बातें हुई, प्रिंसिपली हम एग्री हुए। उसके बाद जैसे ही शरद पवार जी दिल्ली में आए, उनके साथ उनके घर पे दो मीटिंगें की, सब कुछ तय किया गया वहाँ पे, और ऑन एवरीथिंग वी वेयर ऑन बोर्ड। कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो शिवसेना के साथ डिस्कस करना था वो बहुत ही ज़रूरी है, और उसी लिए कल ही हम लोग यहाँ पे आए थे। बहुत अच्छी मीटिंग रही, शाम तक कुछ एकाध दो मुद्दे ऐसे थे कि जिसमें ज़्यादा चर्चा की ज़रूरत थी, और उसी लिए आज हम 12:30 बजे मिलने वाले थे, 12 या 12:30 बजे, लेकिन उससे पहले आज सुबह में जो कांड हुआ, मेरे ख्याल से उसके लिए उसकी आलोचना करना, और उस आप जो भी अभी कुछ सचिन सचिन एब्सोल्युटली इसीलिए मैंने पहले ही शुरू में कहा हमारी तरफ से कोई भी खिलाफ नहीं। जैसे ही उद्धव ठाकरे जी का फोन आया उसे दिन हम यहाँ पहुँच गए। शरद पवार जी ने दिल्ली में जो डेट दी वो डेट पे हम लोग मीटिंग में गए, दूसरे दिन भी मीटिंग हुई।